दुनिया भर में पिछले कुछ दिनों में बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले काफी डराने वाले हैं। भारत में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में कोरोना के दैनिक मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर लोगों में ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट का संक्रमण देखा जा रहा है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि इस बार बच्चों में भी संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। चूंकि देश में अभी बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है, जिसके कारण उनमें संक्रमण की स्थिति में गंभीर लक्षण होने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल ज्यादातर बच्चों में हल्के लक्षण ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो आसानी से ठीक भी हो जा रहे हैं। इस बीच बच्चों में संक्रमण के जोखिम को लेकर शोध कर रही टीम ने डराने वाली जानकारी दी है। अमेरिका स्थित कोलोराडो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस शोध में पाया गया है कि ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमण की स्थिति कुछ बच्चों के लिए जानलेवा तक हो सकती है। अध्ययन में पता चलता है कि यह वायरस ऊपरी वायुमार्ग में तेजी से संक्रमण को फैला रहा है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का जोखिम बढ़ सकता है। आइए अब इस शोध के बारे में विस्तार से जानते हैं। जामा पीडियाट्रिक्स जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कुछ बच्चों के ऊपरी वायुमार्ग को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा समस्याओं का जोखिम काफी बढ़ता जाता है। छोटे बच्चों में इसका खतरा अधिक पाया गया है, क्योंकि छोटे बच्चों का वायुमार्ग छोटा और नाजुक होता है, जो इनमें गंभीर संक्रमण और जटिलताओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। माता पिता को इस बारे में विशेष अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट B.1.1.529 के कारण अस्पताल में भर्ती 18,849 बच्चों की स्थिति का अध्ययन किया। कई स्तर पर किए गए परीक्षण के परिणामों से पता चला कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों के ऊपरी वायुमार्ग में संक्रमण की वृद्धि का कारण बन रहा है। शोध के परिणाम बताते हैं कि अमेरिका में हर 5 में एक कोरोना संक्रमित बच्चे में ऊपरी वायुमार्ग के गंभीर संक्रमण का खतरा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण संक्रमित बच्चों में गंभीर बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि गंभीर संक्रमण की स्थिति में बच्चों को वेंटिलेटर पर रखने, वैसोप्रेसर्स या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन की भी आवश्यकता हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर संक्रमण बढ़ता है और समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह मौत का भी कारण बन सकता है। 384 में से 81 बच्चों में ऐसी गंभीर समस्याएं देखी गई हैं। अध्ययन के निष्कर्ष में शोधकर्ता बताते हैं कि वैसे तो बच्चों में संक्रमण के गंभीर मामले बहुत अधिक रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि यह वेरिएंट कम आयु विशेषकर नवजातों के लिए भी समस्या का कारण बन सकता है। सामान्य तौर पर ओमिक्रॉन और इससे सब वेरिएंट्स को हल्के लक्षण वाला माना जाता रहा है। हालांकि बच्चों में इसके संक्रमण की स्थिति में लक्षणों के गंभीर होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।